हेलो दोस्तों, ओके टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को फाइनल सबमिट फॉर्म कैसे करें, फॉर्म को फाइनल सबमिट कैसे करें। फाइनल सबमिट करने के लिए चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करें। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद 2022-23 की ओनली क्लिक करने के बाद एस सी एस टी स्टूडेंट पर अप्लाई पोस्ट, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर। आप जब रजिस्ट्रेशन कराए थे आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड गया था, 2-3 दिन के बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड को इंटर करने के बाद अपना पासवर्ड को इंटर करें। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद कैप्चा को इंटर करके लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अपना फोटो को अपलोड करें। देख सकते हैं हम अपलोड फोटो को अपलोड कर चुके हैं। अब गो टू होम पर क्लिक करें। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना एकेडमिक ईयर को चूज करें। एकेडमिक ईयर को चूज करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करें। डिस्ट्रिक्ट चूज होने के बाद अपना इंस्टीट्यूट नेम माने कि स्कूल को चूज करें। चूज करने के बाद अपना कोर्स नेम चूज करें। कोर्स नेम चूज होने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपना कोर्स सीजन इंटर करें। कोर्स सीजन इंटर हो जाने के बाद डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स एडमिशन डेट इंटर करें। जब से आप कोर्स कर रहे हैं उसका एडमिशन डेट इंटर करें। जब आप एडमिशन लिए थे उसका एडमिशन डेट को इंटर करें। जब आप एडमिशन लिए थे उसका एडमिशन डेट को इंटर करें। इंटर हो जाने के बाद अपना स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर करें। स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर करने के बाद इंटर हो जाने के बाद अपना सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर को चूज करें। चूज करने के बाद अपना डेट एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 2022-23 को चूज करें। एडमिशन इन दिस चूज करें। डेट ऑफ एडमिशन इन दिस को एकेडमिक डेट को चूज करें। एकेडमिक ईयर डेट को चूज करने के बाद अपना सेक्शन चूज करें।
रोल नंबर के सेक्शन को चूज करें, मोड ऑफ स्टडी रेगुलर करें। रेगुलर करने के बाद अपना कॉलेज फी इंटर करें, कॉलेज फी को इंटर करें, अपना कॉलेज को फी का इंटर करें, कॉलेज फी इंटर हो जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट फी को इंटर करें। इंटर हो जाने के बाद स्टे इन हॉस्टल, आपका स्कूल में हॉस्टल है तो यस करें, नो नहीं है तो नो करें। करने के बाद अपना कोर्स को चूज करें, कोर्स को चूज करने के बाद ना यहाँ भी कोर्स चूज करें, यहाँ पर भी कोर्स चूज करें। चूज करने के बाद अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड, बोर्ड यूनिवर्सिटी को लिखें, अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड को लिखें, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम लिखने के बाद अपना फ्रॉम ईयर कब से कब तक किए थे वो इंटर करें, 2021 से अपना एकेडमिक ईयर को इंटर करने, कोर्स कब से कब तक किए थे वो इंटर करें। इंटर हो जाने के बाद यस करें, इन इज कंप्लीट कोर्स, यस कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं तो यस करें। तीन ऊपर टिक लगा कर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद सभी पर टिक लगाकर आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको ओटीपी को इंटर करें, और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, इसको ईमेल आईडी को ओटीपी को इंटर करें। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, गेट ओटीपी फॉर मोबाइल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को इंटर करें, अपना ओटीपी को इंटर करें, ओके कर ओटीपी को इंटर करें। अपना ओटीपी इंटर करें, ओटीपी इंटर हो जाने के बाद जनरेट क्लिक करें, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अपना ईमेल आईडी पर गेट ओटीपी पर क्लिक करें, आपका ईमेल पर ओटीपी जाएगा, इसको ओटीपी इंटर करें। ईमेल ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करें, आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका हो जाएगा, देख सकते हैं आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट करने के बाद अपना टेंथ सर्टिफिकेट को अपलोड करें, अपना टेंथ सर्टिफिकेट को अपलोड करें। टेंथ सर्टिफिकेट से मार्कशीट को अपलोड करें, अब सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें, अपना मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें। अपना सर्टिफिकेट इशू डेट मार्कशीट कब बनाए इंटर करें, सर्टिफिकेट कब बनाए इंटर करें। लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट को भी अपलोड करें, अपलोड करने के बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें। इंटर करने के बाद अपना सर्टिफिकेट इशू डेट को इंटर करें, इंटर हो जाने के बाद अपना फाइट सर्टिफिकेट इंटर करें, अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद अपना सर्टिफिकेट बोनाफाइड का सर्टिफिकेट नंबर लिखें, लिखने के बाद सर्टिफिकेट इशू डेट कब आप बोनाफाइड लिखाए हैं वो इंटर करें, बोनाफाइड का इशू डेट को इंटर करें। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का इशू डेट इंटर करने के बाद अपना फिर स्कूल का फी रिसिप्ट को अपलोड करें, मतलब फी रिसिप्ट फॉर्म को इंटर करें, अपलोड करें।
अपलोड करने के बाद अपना फिर रिसिपिएंट का सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें। इंटर कर जाने के बाद अपना स्कूल फी का एजू डेट को इंटर करें। इंटर करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका होगा। दूसरा पर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका प्रिंट आ चुका है। यहां से अपना प्रिंट को निकाल भी सकते हैं। डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपना